students, my name is Ankur Shamsunda Saxena and welcome to Saxena's online coaching classes. आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर. क्या टॉपिक है? फोर्स एंड प्रेशर. ठीक है, आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे. चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको बता देता हूँ फोर्स होता क्या है. ठीक है, एनी अ पुश अ पुल ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. ठीक है, हमने डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी सारे बार फोर्सेस देखे हुए हैं. फोर्सेस क्या होता है? मीन्स एक व्यक्ति चल रहा है, किसी ने उसके पीछे धक्का मार, आपने देखा होगा सुना होगा, जानते हो इस बारे में? कभी धक्का लगता है, नहीं लगता? कभी कभी भीड़ में चल रहे हैं धक्का लग जाता है. तो धक्का क्या है? धक्का इज अ फोर्स. ठीक है, इट इज अ पुश. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अ पुल. पुल मीन्स खींचना. एक दरवाजा जो जाम हो गया है, खींच के हम खोलते हैं. अब जो खींच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम पुल कर रहे हैं. ठीक है, तो पुश और पुल ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. क्लियर है? चल अच्छा, मैं आपको इसके आगे बताऊँ, उससे पहले मैं एक चीज़ बता आपसे पूछना चाहूँगा. आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया? नहीं किया? चलो आज आपको मैं सिखाता हूँ सब्सक्राइब कैसे करते हैं. ठीक है, आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इधर रेड कलर का बटन दिया हुआ है, एस यू बी समथिंग लिखा हुआ है, मिला आपको उधर नीचे. हाँ बस उधर ही आपको क्लिक करना है. क्या करना है? क्लिक करना है. उसी के बाजू में बेल आइकन बना हुआ है, सब्सक्राइब को क्लिक करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना है. ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो मेरे जितने भी वीडियोज़ आएंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में, यूट्यूब के इनबॉक्स में आपको मिलता रहेगा. फिर अपने फ्री टाइम में जब चाहो आप उसको देख सकते हो. ठीक है, आई होप आपने सब्सक्राइब किया होगा. लेट गेट बैक टू द टॉपिक. ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल हम फोर्स के देखते हैं. ठीक है, मैन इज पुशिंग अ कार. हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कार हमारी बंद हो जाती है. होती है ना? होती है. आपकी कार बंद होती है कभी? क्या करते हैं उसके बाद? सीधे मैकेनिक? नहीं, क्या करते हैं? धक्का मारते हैं. होता है ना? तो ये जो धक्का मार रहे हैं क्या कर रहे हैं? दिस इज अ फोर्स. ठीक है, दिस इज कॉल अ फोर्स. दिस इज अ पुशिंग अ कार. दिस पुश इज कॉल अ फोर्स. ठीक है, द सेकंड एग्जांपल इज विलेजर पुलिंग द बफेलो. बफेलो यानी भैंस. क्या होती है? भैंस. ठीक है, भैंस को अगर कभी घूमने जा रही है भैंस के बाद आप लेने गए, नहीं आई, क्या करेगी? वो खींचेगी. फिर आप खिंचाने दोगे उसको? नहीं जाने दोगे. उसकी रस्सी पकड़ के आप भी खींचोगे. तो ये खींच रहे हो, क्या कर रहे हो? वी आर पुलिंग अ बफेलो. ठीक है, एंड व्हाट इज दिस पुलिंग? दिस पुलिंग इज कॉल्ड अ फोर्स. राइट, बफेलो का फोर्स ज़्यादा होगा तो बफेलो ले जाएगी आपको, आपका फोर्स ज़्यादा होगा आप लिया हुए. सिंपल राइट, पुशिंग और पुलिंग ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. क्लियर है? चल अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करते हैं. डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है कि आज जैसे आपको मैंने बफेलो का एग्जाम्पल दिया. ठीक है, अभी बफेलो को आप खींच पाओगे? नहीं खींच पाओगे, वो आपको खींच के ले जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन. अच्छा चलो एक और एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. एक 80 किलो का पत्थर है. क्या है? 80 किलो का पत्थर रखा हुआ है और दो लड़के 30-30 किलो के. ठीक है, एक लड़का नॉर्थ डायरेक्शन से धक्का दे रहा है, एक लड़का साउथ डायरेक्शन से धक्का दे रहा है. दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो कहीं पत्थर जाएगा? नहीं जाएगा, वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे. ठीक है, अगर इस पत्थर को हटाना है हमें तो दोनों लड़कों को एक डायरेक्शन में आना होगा और एक ही डायरेक्शन में उनको फोर्स देना होगा, पुश करना होगा पत्थर को. ठीक है, पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं. पुल करेंगे तो इनके तरफ आएगा, पुश करेंगे तो सामने की तरफ जाएगा. क्लियर है? पता चला 100%. मैंने आपको एक चीज़ बोली थी पिछले वीडियो में, वापिस से दोहराना चाहूँगा, कि जो भी मैं पूछ रहा हूँ उसका आपको रिस्पॉन्ड करना है. अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो तो ही आपको समझ आएगा, तो ही पता चलेगा, तो ही मज़ा आएगा. मेरा पर्सनल ये मानना है कि पढ़ाई हमेशा मज़ा लेके करनी चाहिए. सो एन्जॉय योर स्टडीज. राइट, गेट बैक टू द टॉपिक. तो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्लियर है? अब आता है टाइप ऑफ फोर्सेस. काफ़ी सारे टाइप के फोर्सेस होते हैं. पहले मैं कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बारे में उसके बाद उसकी डिटेल बताऊंगा.
जैसे मस्कुलर फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कौन कौन से? मस्कुलर फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, अभी मस्कुलर फोर्स क्या होता है? ठीक है, अगर मान लो 50 किलो का आपके सामने पत्थर रखा है, आपको बोला उठाना है, ठीक है, आप एक अडल्ट है एंड आपका वेट सब 80 समथिंग है, क्या उठा पाएंगे? बिल्कुल उठा पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों हाथ से पत्थर को पकड़ना पड़ेगा, फिर खींचना पड़ेगा। तो क्या यूज हो रहा है? आपके मसल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज ऑब्जर्व करना, पत्थर को उठाने के लिए पत्थर के कॉन्टेक्ट में आना पड़ेगा, मीन्स आपको आपका हाथ पत्थर के ऊपर रखना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, फिर उठाना पड़ेगा। तो दैट्स द रीजन आपको मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोला जाता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, दूसरा फोर्स आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने सुना होगा, मैग्नेट क्या होता है बोलो फटाफट फटाफट, आपसे ही पूछ रहा हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हो, मोबाइल में देख के बताओ, मैं सुन रहा हूँ आपको। मैग्नेट क्या होता है? चुंबक। चुंबक क्या करता है? आयन से चिपक जाता है। ठीक है, क्या आयन और चुंबक कांटेक्ट में होते हैं? नहीं, अगर आयन कहीं पे भी पड़ा होगा मैग्नेट उसके पास आएगा, बाय डिफॉल्ट आ जाएगा वो। तो दिस फोर्स जिससे आयन मैग्नेट के पास आया, दिस फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? पता चला? चले आगे, नहीं पता चले तो कमेंट करके बताना, सर मुझे ये चीज़ नहीं पता चली, मुझे समझाओ, या तो सर आप मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाओ, बनाऊंगा, कमेंट करके आपको बताना होगा लेकिन। ठीक है, चलो थर्ड फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अभी पेड़ के ऊपर आप चढ़े हुए सपोज, ठीक है, पेड़ से आप जंप मारा, नीचे जाओगे ऊपर जाओगे? पेड़ से अगर आप जंप मारोगे, छोटा सा पेड़, बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, छोटा सा पेड़ है, उसके ऊपर चढ़ गए आप, वहां से आप जंप मारोगे तो नीचे जाओगे ऊपर जाओगे? बोलो फटाफट, नीचे जाओगे? क्यों नीचे गए, ऊपर क्यों नहीं गए? जो फोर्स ने आपको पेड़ से नीचे खींचा, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी अर्थ, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। ठीक है, ये खाली अर्थ के लिए नहीं, हमारे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स पर एप्लीकेबल है। दैट्स द रीजन सभी प्लैनेट सन के आजू बाजू घूम रहे, नहीं तो क्या होता, सब यूनिवर्स में घूम चुके होते। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेशर की, इसकी बात करेंगे प्रेशर। चलो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, कोई भी फोर्स यूनिट एरिया ऑफ सरफेस के यूनिट एरिया पे एक्ट करेगा उसको बोलेंगे प्रेशर। प्रेशर का एक फॉर्मूला लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, नहीं समझ आए कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और समझ आ जाए तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना फ्री है ना, फायदा होगा आपको, होगा नहीं होगा? चलो स्टार्ट करते हैं, एक प्रेशर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इधर एरिया क्या है? एरिया ऑन विच इट्स एक्ट, जिधर ये फोर्स एक्ट हो रहा है उस एरिया को इधर हम कंसिडर करेंगे। अभी एक चीज गौर करना, प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है प्रेशर? मैं लिख के बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा और इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है। सक्सेना साहब जब पढ़ा रहे हैं सिर्फ सक्सेना साहब को देखने का, क्लियर है? चलो, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर? अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपको पता है? पता है आपको? चलो बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? पता? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो एरिया डिक्रीज होगा, और एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए?
बताइए प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए या इंक्रीज होना चाहिए? प्रेशर हमेशा डिक्रीज होना चाहिए, दैट्स द रीजन हमें एरिया इंक्रीज करते। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा प्रेशर, क्लियर है? पहला एग्जांपल है पोर्टर कैरिंग अ हैवी लोड। पोर्टर कौन होता है? कुली होता है ना स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। कैसे करता है वो? इधर माथे पे कपड़ा बांधता है और सामान ऐसे लेके जाता है, टंग 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 टंग, ऐसा होता है, नहीं होता है? चलो, तो वो माथे पे कपड़ा क्यों बांधता है? ठीक है, एरिया बढ़ जाता है उससे। एरिया बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता, क्योंकि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, एरिया बढ़ा दिया प्रेशर कम कर दिया, दैट्स द रीजन वो भारी से भारी बैग, भारी से भारी लगेज आपका उठा के कहीं पे भी ले जा सकता है, क्लियर है? चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं भाई, अगर क्लियर नहीं हो ना तो बोलना मेरे को कमेंट करके कंपलसरी, ठीक है? और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट चंद में बताऊंगा आपको कि फोर्स एंड प्रेशर को कुछ वर्ड्स में, गिने हुए 5 से 6 वर्ड में कैसे आप याद रख सकते हो। साइंस जितना समझ के पढ़ोगे उतना आसान लगेगी, जितना रेटिफिकेशन करोगे उतना डिफिकल्ट लगेगी, तो ऑलवेज समझो, ठीक है? चलो दूसरा एग्जांपल है ब्रॉड स्ट्रैप ऑफ अ स्कूल बैग। ब्रॉड स्ट्रैप पता क्या होता है? अपने स्कूल बैग होते ना, अपने लेके जाते हो स्कूल बैग, नहीं जाते हो? फिर किताबें कैसे लेके जाते हो? डेट इज जिसके अंदर किताबें लेके जाते हो उसको बोलते हैं स्कूल बैग, ठीक है? स्कूल बैग रखते हैं, टंग 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 स्कूल जाते हैं, ऐसा ही होता है ना? अभी ऑब्जर्व करना, आपका जो स्कूल बैग है उसकी जो स्ट्रिप यहाँ पे जो हम कंधे पर टांगते हैं वो थोड़ा ब्रॉड होता है, देखना हमने बैग को जाके चेक करना, उसका जो स्ट्रिप होता है काफ़ी ब्रॉड होता है। क्यों होता है? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक भर लें तो अभी हमारे कंधों पे बोझ ना आए, कम से कम बोझ आए, कम से कम प्रेशर है, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा और कंधे में आपको भारी पड़ेगा, दैट्स द रीज़न इसको हम ब्रॉड रखते हैं, क्लियर? पता चला? नहीं पता चले तो पूछना कमेंट करके। चलो आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? क्या बोला मैंने? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? सोचो सोचो, हमेशा एक चीज़ याद रखो, साइंस के अंदर अगर वर्ड को एनालाइज करोगे ना तो आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अपनी आप मिल जाएगी, ठीक है? तो फर्स्ट वर्ड इज एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक मीन्स इट इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, एंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर? अवर सराउंडिंग इज अवर एटमॉस्फेयर, ठीक है? सेकेंड वर्ड इज प्रेशर, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, तो जो हमारे सराउंडिंग के आसपास के ऊपर से जो प्रेशर जनरेट होता है दैट इज एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? अब इसको, अभी जो मैंने आपको चीज़ समझाई इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है? द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर अबाउ द सर्फेस ऑफ अर्थ। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हमारे आसपास, ये हम बात कर रहे हैं, हम चींटी से भी छोटे हैं अर्थ के लिए, ठीक है? इतना छोटा है, लेकिन हमारे आसपास ही नहीं, हमारे अर्थ के आसपास भी जो एटमॉस्फेयर है अवेलेबल, हमारे आसपास भी है, हमारे अर्थ के आसपास भी अवेलेबल है, ठीक है? अभी ये इससे जो प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, अभी आगे पर रीड करते हैं। द प्रेशर जनरेटेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? जो एटमॉस्फेयर में एयर अवेलेबल है अर्थ के पास पास आसपास, उस एयर से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? चल, सब्सक्राइब किया नहीं किया? अरे यार सब्सक्राइब करो, फटाफट करो, फटाफट फटाफट, आपका वीडियो मिस हो जाएगा, इट्स फ्री, आपके इनबॉक्स में मेरे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे तो आपको चेक करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है? होप आपने किया होगा। इधर नीचे रेड कलर का क्लिक, उसके बाजू में बेल क्लिक, दोनों बाजू क्लिक, ठीक है? और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा इनको आप याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है? चलो अब मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मैं आगे इसके क्लोजिंग आपको बताऊँ कि इसको याद कैसे रखते हैं। मैंने जितना भी आपको बताया समझ आया आपको? थोड़ा सा 1% समझ आया होगा,
तो एग्जाम्पल थे ना मेरे कुछ ऐसे ही थे कि सराउंडिंग के तो इसलिए कुछ कनेक्ट हुआ हुआ शायद। अगर 1% भी आपको समझ आया है तो कमेंट में आप यस करके भेजेंगे, क्या करके भेजेंगे, यस करके भेजेंगे, ठीक है। और आपको 1% भी समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया ना, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा है, क्या लगा है आपको, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा है, तो क्या करेंगे आप, नो लिख के रीज़न भेजें, सर आपने बहुत बोर किया, रियली मैं इतना बोर कभी वीडियो से नहीं हुआ, आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा बोर किया, ऐसा मुझे रीज़न लिख के भेजेंगे, ठीक है। और अगर आप यस लिखते हैं और मेरे से कोई वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो देखना है, आपका कोई सब्जेक्ट है मैथ साइंस इंग्लिश ऐसे जो आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, नहीं पता चल रही है, आप मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब होना ज़रूरी है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो अब आता है, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही आप अपने वीडियो है अवेलेबल है कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि जो बेनिफिट आपको हुआ है वही बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को भी हो पाए, क्लियर है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। फोर्स के लिए दो ही वर्ड याद रखने हैं आपको, क्या याद रखना है, दो ही वर्ड याद रखने हैं, एक है पुश दूसरा है पुल, ठीक है, पुश एंड पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, तो ये दो वर्ड याद रखो, क्लियर है। अभी बोल रहा हूँ पुश एंड पुल ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अब बारी आती है टाइप ऑफ फोर्स की, कौन कौन से टाइप का फोर्स बताया मैंने, तीन ही वर्ड याद रखने, ठीक है, मस्कुलर मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल, ठीक है, आगे फोर्स लगा दो, हो गया, फोर्स लगाने तो क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, टोटल कितने वर्ड हो गए अपने फोर्स के, पांच वर्ड हो गए, कौन कौन से हुए, पुश एंड पुल, ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स के लिए तीन वर्ड हो गए, कौन कौन से हुए, मस्कुलर मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल। अब बारी आती है प्रेशर की, प्रेशर के लिए सिंपली ये फॉर्मूला याद हो, प्रेशर इजीली याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना कम एरिया, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर, मीन्स पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ओ मिलोगे नहीं मिलोगे, मैं तो आऊँगा, आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप भी आओगे, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आप देखना चाहते, ठीक है। तुम्हें पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, सक्सेना सर हमेशा आपके साथ, ठीक है। एंड ऐसा एक साइन होगा उसको क्लिक करना, इसका मतलब टू लाइक द वीडियो, ठीक है। एंड लाइक नहीं करो तो कमेंट करके बताना कौन सी चीज़ आपको नहीं पसंद आई, ठीक है, और लाइक करता हो तो कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं, ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड अ सक्सेसफुल डे अहेड, बाय।